जो आपके पहले बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका मर्डर हो गया। स्वदेशी रक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित का अचानक उनके साथ ऐसा हो जाना, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आलोचक जाएं बाहर में, वो अपनी ऐसी तैसी कराए। आपकी दवाइयों में सस्पिशियस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रश्ड ह्यूमन स्कल, कभी 5 करोड़ के टैक्स इवेजन का, कभी चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी के साथ सपोर्ट का। मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया है वो किसी की मेहरबानी से नहीं पाया। वैसे भी हम तो पंगेबाज आदमी हैं। आध्यात्मिकता और नेशनलिज्म, तो इसके नाम पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड किया। कि क्या कोरोनिल आज भी आप बोलते हैं कि ये एक मेडिसिन है या इम्यून बूस्टर है? तो आपको लगता है कि जिसको कोरोना है वो दवाई खा लेगा, वो ठीक हो जाएगा? हे नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। आज एक्साइटमेंट थोड़ा गेरवे के नजदीक पहुंच गया हूं। आज मैं भी कोट पेंट उतार के कुर्ते पजामे में आपसे आज मिलने वाले हैं। आप कौन हैं? आप रामकिशन जी हैं या बाबा रामदेव जी हैं? हरियाणा के छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, 2.5 साल की उम्र में पैरालिसिस, जिसको आपने योग से ठीक किया। रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आप बहुत प्रभावित थे। गुरुकुल में जाकर के आप इंडियन स्क्रिप्चर, योगा, संस्कृत, वैदिक प्रिंसिपल सीखना चाहते थे, अंग्रेजी पढ़ना आपको मंजूर नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपको स्वदेशी मूवमेंट का इंडियन बाबा कूल बोला और आपको बोला जिसके रामदेव जी जिसके राजा है, जिसके किंग है। स्वदेशी को एक मूवमेंट बनाने में आपने कई चैलेंजेस का सामना किया। कभी क्या आपने ऐसा रामदेव जी सोचा था कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन हो जाएगा? बिंद्रा जी, योग और कर्मयोग, ये मेरा नेचर है, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा गोल है, यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरी सक्सेस है। और जो बाकी जिन चीज़ों को बिजनेस, एम्पायर और जो है ब्रांड या एक योग की सेलिब्रिटी, जो बाकी जो भी नाम देते हैं लोग, ये सब बाय प्रोडक्ट है। ये सब यदि अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो ये कर्म के फल का परिणाम है और ये भगवान का विधान है। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा एंड कर्म योगा। सुंदर, कर्म पे फोकस करो, फल तो आउटकम है, फल तो रिजल्ट है। आपसे दूसरा प्रश्न थोड़ा अलग सा है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, 30 साल से ज़्यादा समय की ये दोस्ती, जय वीरू की जैसी दोस्ती, वही राम याद आते हैं हमारे को। 1987 में पहली दफ़ा आप गुरुकुल में आचार्य बालकृष्ण जी से मिले थे, एक योगा के एक्सपर्ट और एक दवाइयों के एक्सपर्ट। 2002 में आपने कैंप्स लगाए, टीवी पे आप आए, अवेयरनेस आपने आयुर्वेद पे बिल्ड करी, आपकी पार्टनरशिप को बहुत इसका क्रेडिट जाता है। देखिए, दो तरह की फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप फाउंड ऑन बिजनेस या बिजनेस फाउंड ऑन फ्रेंडशिप। या क्या फिनोमिनल पार्टनरशिप आपकी। प्रोडक्ट का एक कर रहे हैं, प्रोडक्ट का क्रिएशन आचार्य बालकृष्ण जी, और एक कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्रमोशन स्वामी रामदेव जी। आचार्य जी 98.6% इक्विटी होल्डर हैं आपकी इस कंपनी में, फोर्ब्स के अनुसार 15वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपकी बहुत अमेजिंग स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, आपस में बहुत प्रेम है जो सालों साल से दिखता आ रहा है, पर कभी कुछ तो खटपट रहती होगी। एक खटपट बिंद्रा जी भाव होती है, जहाँ कुछ चाहना हो, कुछ पाना हो, जहाँ पर पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, माने जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको लेकर के आदमी में संघर्ष होता है। और जब आपको अपने लिए कुछ चाहना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस अपना कर्तव्य निभाना है, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। देखो, ये सच है कि आज जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पहुँचे हैं, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। हम उन गांव की अंधेरी गलियों से आए हैं विवेक भाई, जहाँ पर आज भी कोई बस कोई ट्रेन नहीं जाती, आज भी आज़ादी के 70 वर्ष बाद, जहाँ पर कोई कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। जिस वक्त मैं उस गांव में था, वहाँ उस समय 8वीं के बाद शायद ही कोई बच्चा गांव का पढ़ता था, बेटी तो एक भी नहीं पढ़ी लिखी। पहली बार मैंने माता पिता को प्रेरणा देकर के शरीर के संबंध से जो बहन लगती है उसने MBA और PhD किया, पहली बार गाँव के किसी लड़के ने। गांव के ऊपर से हवाई जहाज जाता था तो हमको उसका तो नाम नहीं पता था कि इसको एरोप्लेन बोलते हैं, हम उसको चील गाड़ी बोलते थे। और उस ये नहीं पता था कि कहाँ से उड़ती है और कहाँ जा कर के टेक ऑफ और लैंडिंग, तो आज शब्द हमें पता, उस समय तो ये भी नहीं पता था ये कौन लोग इसमें उड़ते हैं। और गाँव में जब कोई थोड़ा भी हो तो किसी के पास
दो पैसे हो जाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे तो होते ना, बोले ये बनने चला टाटा बिरला, हमको ये पता था ही टाटा बिरला हमारे आगे पीछे होंगे। तो मीन्स जिंदगी में, और कभी चाहना नहीं थी कि मुझे किसी से मिलना है, मैंने किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये अलग बात है कि देश के टाटा बिरला अडानी अंबानी से लेकर के राहुल बजाज जी से लेकर के और कोई बचा नहीं है, चाहे अलन मित्तल हैं, चाहे वो अनिल अग्रवाल हैं, चाहे हिंदुजा ब्रदर्स हैं, इस देश के करीब 5 प्रधानमंत्री, करीब 5-6 राष्ट्रपति और करीब से करीब करीब 25 मुख्यमंत्री तो हैं, पतंजलि योगपीठ में उद्घाटन पे आ चुके हैं। तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी मेरी कि कुछ पाना है जीवन में, बस इतना था कि कुछ करना है और उस करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ से जो हम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कर सकते हैं। मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ कैसा, जिसमें पूर्ण विवेक हो। आप ही विवेक हो, आपकी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा, आपकी माँ प्रभा बहुत अच्छी है। पूर्ण विवेक से, पूर्ण निष्ठा से और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य अपने काम में झोंक देना, फिर जो हो उसकी परवाह नहीं करना। वैसे भी हम तो पंगेबाज आदमी हैं, चाहे वो विदेशी कंपनियों के साथ पंगा है, पॉलिटिकल पंगा है, सोशल है, रिलीजियस है, जहाँ भी हम देखते हैं कि कुछ इनजस्टिस है, ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जो इलॉजिकल है, इमोरल है, उसके खिलाफ डट करके खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे सब कुछ मटिया मेट हो जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि कुछ माना है ही नहीं ना। विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंप्लीट कंपल्शन है। नेशनल टीवी से आप एक हाउसहोल्ड नेम बने, 2001 में आप संस्कार चैनल पे आए, 2003 में आप आस्था चैनल पे आए, पेट घुमा घुमा के जब आपने लोगों को योग कराया तो लोगों को भी बड़ा मजा आया, बहुत एक्साइटिंग लगा, अनप्रेसिडेंटेड था, इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये टर्निंग पॉइंट भी था, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पर 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा कारत ने दिव्या फार्मेसी पे कई आरोप लगाए कि आपके वर्कर्स को आप पूरा पैसा नहीं देते हैं, आपकी दवाइयों में सस्पिशियस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्रश्ड ह्यूमन स्कल, या प्रोडक्ट जो है रीपैकेज हो रहे हैं, प्रोडक्ट बनाता कोई और है, आप खाली इसको रीपैकेज कर देते हैं, कभी 5 करोड़ के टैक्स इवेजन का, कभी चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी के साथ सपोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद आपका करेज और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही, हर बार आप आए, बाहर निकल के आए, कई बार आपके खिलाफ FIR हुई, लेकिन आप हर बार बाउंस बैक करते रहे। इस बाउंस बैक के पीछे, ये लगातार वापस खड़े होकर के विकल्प रहित संकल्प के पीछे क्या मूल मंत्र है? आप यदि सच्चे हैं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं और आपने लो को वायलेट नहीं किया है, लो 3 तरह का होता है, एक भगवान का विधान, एक देश का संविधान कानून और एक समाज के भी कुछ कानून। मैंने भगवान के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं किया, मैंने समाज की मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा और मैंने देश के कानून नियम संविधान का कभी उल्लंघन नहीं किया। हमारी हैसियत क्या है, इसी से भगवान करा रहा है। तो हम भजन गाते ना, एक बहुत प्रसिद्ध सा भजन, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तो हमने अकर्ता भाव से सब काम किया, निष्काम भाव से, इसलिए मैं बेधड़क हूँ जी, निर्भय हूँ जी, निर्वैर हूँ, निर्भार हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, सैकड़ों काम में करता हूँ, लेकिन सब कुछ करके निर्भर रहता हूँ। जहाँ तक विवादों का प्रश्न है, तो विवाद होना तो बड़ा शुभ होता है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्वामी रामदेव, ऐसे मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है। मैं कहता हूँ भाई, मैं किसकी बहस खोल ली भाई, मैंने किसके खुद उबा लिए, किसकी चोरी छोरी छोड़ दी, क्या कर दिया भाई। हमने कहा भाई, हमने कुछ गलत नहीं किया, तुम 1,00,000 प्रश्न पूछो। आप तो फिर भी सभ्य भाषा में प्रश्न पूछ रहे, बड़े विवेकी, नाम ही विवेक मित्रा। मुझसे तो लोग कितने उठपटांग प्रश्न पूछते थे, मैं एक ही बात कहता था भाई, पहली बात तो भाई, आदमी कितनी खोपड़ी लाएंगे, कहाँ की टनों की मात्रा में, क्योंकि करोड़ों लोग हमसे जुड़े थे, उनको उपलब्ध कराते।
और जहाँ तक वर्कर्स का प्रश्न है, आज हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोग रोजगार पाते हैं। एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने, आचार्य पार्षद ने उनका शोषण किया, बल्कि जब हमारे पास कुछ न था, विवेक जी हमारी यात्रा 1995 से शुरू होती है, तब हमारे पास में एक वर्कर को देने के लिए 500 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। पूरे कुछ बच्चे थे हमारे यहाँ पर जो 1-1 लाख रुपए अभी भी हैं, एक दो उनमें दुर्भाग्य से चले गए। एक लड़का पीछे योगेश गया, बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा, वो आया था तब उसको 2000 रुपये मिला करते थे, वो बाद में आया था थोड़ा 5-7 साल बाद। शुरू में जो बच्चे थे, एक लड़का प्रदीप है, उसको तो हम 500 रुपये दिया करते थे, आज उसकी शायद 50,000 से ऊपर सैलरी होगी। मीन्स हमने पहली बात तो ये सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे साथ आया 2000 के आसपास। उससे पहले तो हमारे पास अपनी इच्छा से लोग रहते थे, हमारे पास जितना होता था दे देते थे। हमारे पास 1995 में पहली बार ट्रस्ट की जो बैलेंस शीट जो ऑडिट होकर के गई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एलसीए से, कुछ पूरी बैलेंस शीट साल भर की 75,000 रुपये की, 1 लाख रुपये से कम की थी जितनी भी थी। तो हमारे लिए पैसे कोई मानी नहीं रखता था। जब हमने सिस्टम एंड प्रोसेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना शुरू किया, जो भी सरकार के, उस समय करना शुरू कर दिया। हमने किसी का हक नहीं मारा, हमने किसी का हक छीना नहीं, बल्कि जो नाहक चेष्टा कर रहे थे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और यूनिलीवर तक, कोको कोला, पेप्सी, पीएनजी, कोलगेट तक, उनके गेट बंद किए अच्छी तरह से, हाँ वो हम मानते हैं कि करीब 1,000,00,000 करोड़ रुपये उन लोगों ने लूटे, उसको नहीं छोड़ना। वो तो अभी भी हम लगे पड़े, और आज भी करीब करीब हिंदुस्तान के 80% स्टेट्स में हम कोलगेट से आगे हैं जी। जी पूरे उसके तो डेटा है, आंकड़े हैं, कोई नकार नहीं सकता। कि आपने आज जो बात किया विदेशी कंपनियों के विषय में, आपने बात किया कभी कोलगेट का और अलग अलग ब्रांड्स का, आज हमारे 1,40,00,000 सब्सक्राइबर्स को एक बात महसूस हुई होगी जो मुझे महसूस होती है कि आप उस सुंदर से सख्त नारियल की तरह हैं जो ऊपर से तो कड़क और कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से मुलायम, आपके भगवान के भजन और अपना सारा क्रेडिट भगवान को देते हुए, ये अच्छा लगा बहुत, आपकी विनम्रता देख के इंस्पिरेशन मिलती है, पर थोड़ा सा एक कठोर दिशा में जाना चाहता हूँ। जाओ। 3 जगह हमने सुना आपके बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज आई, एक जो आपके पहले बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उनका मर्डर हो गया, दूसरा वो कॉन्ट्रोवर्सी आप पे आती है, दूसरी भी कि आपके जो गुरु थे गुरु शंकर देव जी उनके विषय में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिली, और तीसरे स्वदेशी रक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित का अचानक उनके साथ ऐसा हो जाना। तो ये 3 प्रश्न सही है गलत नहीं, इस पर मैं जजमेंट नहीं लूँगा, इस पर आप पहले भी उत्तर दे चुके हैं, पर मैं चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के माध्यम से ये 3 बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी स्पेशली राजीव दीक्षित जी के विषय में कई बार लोग हमसे पूछते हैं, तो अगर आज आप इस मंच के माध्यम से इसके विषय में कुछ कहना चाहें। चलो मैं 3 बातों कर लेता। पहली बात तो हमारा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, अभी तक भी नहीं जी। अब कोई भी आदमी मर जाए और ये कहते कि उसका मर्डर हो गया जी, ये तो बहुत बुरी बात है। आपके घर में कोई, आपके माता पिता भी काफ़ी आयुष्यमान हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके दादा दादी परदादा कोई तो घर में मरा होगा जी, और उसको कोई ये कि आपने अपने माँ, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का मर्डर कर दिया, कितना आपको बुरा लगा। देख कोई आदमी अपनी मौत, कोई मर गया, अभी कोई एक सन्यासी थे, हमसे कोई उस दूर दूर का रिश्ता नहीं, वो हमारे शुरू में आयुर्वेद का एक लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस उनका लगा हुआ था, कोई योगानंद जी थे, कोई रिश्ता नहीं उनके साथ हमारा, वो उनका लाइसेंस लगा हुआ था। सच्ची बात ये कि वो कभी आश्रम में नहीं आए, एक बार भी नहीं आए होंगे कोई आयुर्वेद के काम के लिए, हमको कोई उस समय पता नहीं था कि भाई वो आयुर्वेद का लाइसेंस ही, वो हम उनसे वो मिले थे हमसे, एक कोई दूसरा कोई एक योगाश्रम है या पातंजलि योगधाम जी, वहाँ वो रहते थे क्योंकि हम गुरुकुल के पढ़े हुए थे, वो भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे जी। तो बोले मेरा एक वो पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट लगा लो आप, हमने सर्टिफिकेट लगा दिया। अब वो बीच में उनका स्वाभाविक मृत्यु हो गया, उनका क्या लेना देना, हमसे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, हमसे कोई सैलरी नहीं लेते थे जी, जी। अब मर गए, बोले वो मर्डर हो गया जी। राजीव दीक्षित अभी तो ये जो है इसके रायपुर के पास क्या है वो जो भिलाई, भिलाई के हॉस्पिटल में वो सारे डॉक्टर जिंदा हैं, तुम एक बार जाकर के इंटरव्यू ले आओ, कम से कम मेरा ये बोझ हल्का कर दो, इतना काम कर लो आप मेरे पास आज इंटरव्यू के लिए, देखो मैंने आपको कितना समय दिया, कितने प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में जाके एक इंटरव्यू लेके आ जाओ, वो सारे डॉक्टर हैं वहाँ। उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक से बेचारा मर गया, अब उसको भी उसकी नेचुरल डेथ, मतलब हार्ट अटैक वाली डेथ को मर्डर कर दिया,
कितनी बुरी बात है। तीसरी बात कि जो है गुरुजी की, अब गुरुजी की मौत के ऊपर सीबीआई, और वो भी सीबीआई ने दो बार जांच की उस जी जी जी, और उन्होंने 500 लोगों को उठाया पूरे हिंदुस्तान से, 500 लोगों को, और उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक भी पता नहीं लग पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जी जी, अब बुजुर्ग अवस्था में कोई 80 साल से ऊपर कोई जो है घर से, कोई अपना घर का बड़ा किसी भी कारण से बिछुड़ जाए, अब आप उसको कोई मर्डर कर दिया, अरे किस बात के लिए मर्डर होगा भाई? गुरु के पास एक रुपये बैंक बैलेंस नहीं, एक इंच जमीन नहीं। आज पतंजलि के पास में जब ये कहते हैं कि गुरु जी का जो है उनका पता नहीं लगा, उस समय तक पतंजलि के पास कम से कम 1000 एकड़ जमीन थी जी, जी। और जहाँ जो जमीन उन्होंने दान दी थी 25 साल पहले, वो तो 1 एकड़ भी नहीं जी, जी। अब उस गुरु के पास जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं है, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मुझसे मेरा कोई भी जो है कर्तृत्व देश से छिपा नहीं जी, जी। उन गुरु जी का किसी से कोई बैर नहीं, और मेरा एक बार ऊंची आवाज में जिनसे बात ना हुई है, मैं स्कॉटलैंड में था, यूके में कैंप कर रहा था, उस समय अचानक उनका पता नहीं लगा। आपके ऊपर ये भी प्रश्न उठता है कई दफ़ा कि आप आध्यात्मिकता और नेशनलिज्म, तो इसके नाम पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड किया, मीडिया अटेंशन बिल्ड किया, अच्छी प्राइसिंग किया, रिटेल आउटलेट्स बिल्ड किए, वो खूब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन स्वदेशी फैक्टर को क्या इस्तेमाल किया गया? आप हालांकि फॉर्मल बिजनेस डिग्री नहीं थी आपके पास, लेकिन फिर भी पूरी FMCG इंडस्ट्री को आपने हिला दिया, सारी MNC आज अपने प्रोडक्ट को रिवैम्प कर रहे हैं, आज लोग बोल रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, आज तरह तरह के नए नए ब्रांड आ रहे हैं आपके दंत कांति को देख के। ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते आप गवर्नमेंट स्क्रूटनी से बचते रहे, और क्योंकि आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म ये मजबूत मुद्दा है जिससे इमोशन साथ में जुड़ जाते हैं, हालांकि जेलसी इज अ गुड इंडिकेशन, जैसे आपने बोला पीपल डोंट गेट जेलस विद द लूजर्स, यू हैव बीन सक्सेसफुल, इसीलिए लोग कभी कभी जेलसी रखते हैं आपके प्रति, कभी कभी नहीं मैं कहूँगा ज़्यादातर, लेकिन आपका क्या व्यू है आज स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस और पॉलिटिक्स, या आपके लिए एक अनबीटेबल सक्सेस मंत्र रहा? देखो मोदी जी आए 2014 में जी, ठीक, और पतंजलि का जो ग्रोथ रेट है 2009 से लेकर के 2013 तक, वो 100 से 200% का है, तो किसी गवर्नमेंट की मेहरबानी से नहीं है। और स्वामी रामदेव ने जाति को, मजहब को, राजनीति को, किसी भी ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को अपनी सीढ़ियाँ नहीं बनाया, बैसाखियाँ नहीं बनाया। और दूसरी बात, मैं किसी का मोहताज नहीं। और एक अल्टीमेट बात यह है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया है वो किसी की मेहरबानी से नहीं पाया, न किसी कॉरपोरेट घराने की मेहरबानी से, न किसी राजनीतिक घराने और राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की मेहरबानी से, बल्कि उनको मैंने दिया है। कुछ लोग घबरा जाएंगे इसलिए बोलूँगा नहीं। मैं यदि चाहता तो अब तक राजनीति में जिसको लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, वो पा सकता था, और आगे भी चाहूँ तो पा सकता हूँ, लेकिन मुझे पाना नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए बना नहीं। मैं योग की महिमा गाने के लिए, वेदों की, ऋषियों की महिमा गाने के लिए, देश की, स्वदेशी की महिमा गाने के लिए, लोगों का उपचार करने के लिए, उपकार करने के लिए पैदा हुआ। लोग को व्यापार दिखता, दिखने दो, मैंने ठेका नहीं ले रखा जी। कि मैं सबके सब प्रश्नों का उत्तर दूँ, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए उत्तर दे दूँगा, बाकी जो है आलोक जाए बहाड़ में, आलोचक जाए बहाड़ में, वो अपनी ऐसी तैसी कराए, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना जी। मैं भगवान के लिए जवाबदेह हूँ, मैं देश के संविधान के लिए जवाबदेह हूँ, जो करोड़ों लोग मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके लिए जवाबदेह हूँ, बाकी तो ठीक है, बातचीत होती हैं, विवाद होते हैं, मुझ पर कम से कम नहीं होंगे तो 1000 से ज़्यादा तो अब तक FIR और केस हो चुके हैं, नॉन अवेलेबल वारंट हो चुके हैं, डबल CBI की इंक्वायरी हो चुकी है, डबल। आप कहते हो फेवर, किस बात का फेवर? हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का हम किसी को बोलते नहीं, वो अलग बात है, और मुंह खोलते नहीं, क्यों खोले, फालतू में क्यों बकबक करना। पक्ष की गवर्नमेंट हो या विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे ऊपर हर समय कम से कम 100 केस चल रहे होते हैं, हर महीने का वकीलों का खर्चा कभी लाखों में कभी करोड़ों में होता है जी, और अभी तक कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और उसमें फिर लोग और दुख होगा कुछ लोगों को,
इसलिए ये छोड़ दो बात तो कि किसके फेवर से हम आगे बढ़े, हमें फेवर किया है तो भगवान ने किया है, उस परमात्मा ने हमारी हैसियत से औकात से ज्यादा हमको सदा सब कुछ दिया, और इसके देश के लोगों ने एक अनपढ़ माँ बाप के बेटे को, आचार्य बाक्षण एक चौकीदार के बेटे हैं और एक स्वामी रामदेव एक छोटे से जमींदार के बेटे हैं जिसके पास में खाने के लिए दो वक्त की रोटी थी बस, लेकिन हमने अपना जमीर नहीं कभी बेचा और कभी हमने छोटा नहीं सोचा और ओछा नहीं सोचा। बहुत सुंदर, दो बातें यहाँ पे निकल के आई आपके सूत्र से। पहली बात निकल के आई कि आपने ये तो कह दिया कि भाई हमने किसी से फेवर नहीं लिया, अगर लिया होता तो हजारों FIR या केसेस हमारे खिलाफ नहीं होते। फेवर नहीं लिया, अपना जमीर नहीं बेचा, लेकिन अरे अभी कोरोनिल बनाया उसी में होगी थी 1000 FIR, तो 1000 तो मैंने कम बताया, लोग ज्यादा बोलोगे तो सोचते हैं कि बाबा है भला है। 1000 केसेस तो अभी हो गए थे कोरोनिल बनाई, अभी तक पूरा वर्ल्ड सारी दुनिया की सरकार एक तरफ है, सारी दुनिया का कॉर्पोरेट एक तरफ है, सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक तरफ है, वो जो न कर सके वो हमने करके दिखा दिया, कोरोना की दवाई बना दी, लाखों लोग उससे जो पॉजिटिव आ चुके 57 डे नेगेटिव हो रहे हैं तो, और तो क्या उसके बाद भी हुतोबा मची। और आगे कह रहा हूँ, हाँ। ये जो बात हो रही है ना कोरोना की, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन। अरे वैक्सीन क्या है, आप बोले लगा लेंगे तो अपने एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी, अरे हमने योग से इतने एंटीबॉडी पैदा कर दिया लोगों की, हमने इम्यूनिटी इतनी पैदा कर रखी है, 20-25 करोड़ लोग तो कोरोना पॉजिटिव होकर के अपने आप नेगेटिव हो चुके। कोरोना इज नॉट ए मेडिसिन, कोई भी कोरोना से संक्रमित हो गया उसके बाद उसको प्राणायाम भी करना पड़ेगा और कोरोना लिखानी पड़ेगी और कोई दवाई भी नहीं है इसकी। तो हमने जो किया, चाहे हमने कोरोना की दवाई बनाई, हमने BP के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत और लीवर के लिए सर्वकल्प अब लिवोग्रिट और लिवामृत, क्या क्या नहीं किया हमने, आज स्थापित सारी मान्यताओं को हमने ध्वस्त कर दिया। सारी दुनिया जो कहती है उसके विपरीत स्वामी रामदेव कहता है, वो कहते हैं BP क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, एसिडिटी क्योर नहीं होती, अस्थमा क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। मैं कहता हूँ ये श्योर होता है क्योर, और मैं करके दिखाता हूँ, और मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ये सब किया है। स्वामी रामदेव को क्यों मानते, मैं किसी परेशानी की तरह भूत प्रेत नहीं चढ़ाता, मैं कहता हूँ मैं तो स्थापित जो झूठ है, जो झूठी मान्यताएँ हैं, भ्रमजाल है, उसको तोड़ा है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो चिकित्सा में है, ये सब माफिया राज है सारा, ड्रग माफिया। लेकिन मेरा ध्यान अटक गया है वो 1000 FIR पे कि क्या कोरोनिल आज भी आप बोलते हैं कि ये एक मेडिसिन है या इम्यून बूस्टर है, इम्यून सिस्टम का बूस्टर है, जिसको कोरोना है वो दवाई खा लेगा वो ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, हो चुके हो जाएगा तो फ्यूचर की बात है, हो चुका उसको फ्यूचर में क्यों बोलते हो सकता है मेरे अगले प्रश्न पे मैं कोई अपराध ना कर जाऊं, इससे बड़ी विनम्रता पूर्वक, क्योंकि मैं भी आध्यात्मिकता को बहुत मानता हूं, पर क्या ये ट्रेंड बदल रहा है, क्या ये समय बदल रहा है कि आज आध्यात्मिकता को बिजनेस के फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मैं भी भगवद गीता में बहुत बात करता हूं, सब बात करते हैं, पर मैं आपका भी विचार जानना चाहता हूं। हालांकि आप एक मजबूत एंटरप्रेन्योर हैं, एक छोटी फार्मेसी से एक बड़ी FMCG कंपनी तक पहुंचे, कोलगेट का गेट खत्म हो जाएगा, खुल जाएगा, नेस्ले की चिड़िया उड़ा देंगे, पैंटीन की पैंट गिली कर देंगे, यूनिलीवर का लीवर टूट जाएगा, बड़े आपने मजबूती के साथ अपने आप को रखा गया, आपका ग्रोथ रेट लगभग 100-150% आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा, लेकिन पीछे पीछे श्री श्री रविशंकर जी भी आए, उन्होंने अपना वेलनेस ब्रांड श्री श्री तत्व ब्रांड ला दिया, आज मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ में 500 करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा है 2020-21 के अंदर, 1000 फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और 2000 करोड़ का उनका मार्केटिंग बजट, क्षमा चाहता हूँ 200 करोड़ का मार्केटिंग बजट भी है। पीछे बाबा राम रहीम जेल जाने से पहले वो भी 40 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके थे। 2022 में आपने, मैंने सुना है कि 200,000 करोड़ का टारगेट रखा है, इंटीग्रेटेड फूड पार्क, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपको क्या लगता है, दो बातें, क्या ये नया ट्रेंड बन रहा है कि बिजनेस को आध्यात्मिक तरीके से जिया जाए और आध्यात्मिकता की बात की जाए, और दूसरा क्या कहीं लगता है कि श्री श्री रविशंकर आपको कंपटीशन दे पाएंगे? पहले तो बेधड़क पूछो, कोई पूछने में कंजूसी मत करो कैसा ना छूट जाए। दूसरी बात, कोलगेट का गेट खोल नहीं दूंगा, बंद कर दूंगा। अच्छा, तो स्टेटमेंट ठीक कर लो। वो बंद हो चुका है आधा, थोड़ा बहुत अभी पूरा बंद होने वाला है। दूसरी बात, हमने जो भी काम किया व्यापार के लिए, उपकार के लिए किया, उपचार के लिए किया, जो हमने मेडिसिन दी है पिछले 27 सालों में, बाजार से उनका कंपेरेटिवली आप उनका मूल्यांकन करेंगे, कम से कम
4-5 हज़ार करोड़ रुपए कम कीमत में हमने लोगों को औषधियाँ उपलब्ध कराई। 4-5 हज़ार करोड़ रुपए एमआरपी में डिफरेंस मिलेगा, हमने कम मूल्य में दी। मोती पिष्टी बाजार में 300 रुपए की, झंडू है, डाबर है, बैद्यनाथ है, जो भी देखो, मैं ये विदेशी कंपनियाँ नहीं, इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ये देती है मोती पिष्टी लगभग 300 रुपए की। जी जी, पतंजलि देता है, दिव्य फार्मेसी हम देते हैं 30 रुपए की। ये तो एक प्रोडक्ट की मैंने बात की, आप देख लो शंख कपर्धक मुक्ताशुक्ति रस रसायन भस्म पाक पिष्टी चूर्ण अवलेह जो भी है सबका कंपेरेटिव देखोगे, हम 10 रुपए की देते हैं, वो 50 रुपए की, 60 रुपए की, 70 रुपए की, 100 रुपए की। ये कोई भाव होता है? लोगों का पागल बनाया? हमने लोगों का पागल नहीं बनाया, हमने लोगों को अपना परिजन मान के, स्वजन मान करके रो मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट और विज्ञापन की कॉस्ट तो हमारी लगभग 0.5% भी नहीं होती है। हमने लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराई और सात्विक चीज़ें उपलब्ध कराई और लोग खुद उसको महसूस करते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप बहका सकते हो जो है 1-2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप 3 दशक तक लोगों को नहीं बहका सकते। जो माता पिता मेरे पास सीखने के लिए आते थे ना योग, उनके बेटे और उनके अब पोते हो चुके हैं, 3 पीढ़ियों को मैंने अपने साथ जोड़ा है, 3 पीढ़ियों को विवेक जी। तो मेरे भाई ये ठीक है, कुछ लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, जो उपचार और उपकार के लिए काम करते हैं। हाँ, अब देखो अगली बात, अब कहेंगे कि जी स्पिरिचुअलिटी को फाउंडेशन की तरह यूज करें, भाई हमारे पास में कोई पीठ है नहीं, कोई बैक है नहीं, किसी की बैकिंग है नहीं, तो हमने कहा कोई हमने ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास और किसी तरह की कोई जाति पंथ मजहब की सीढ़ियाँ बनाई नहीं, बैसाखियों के सारे हम चढ़े नहीं, हमें कहीं से तो आएंगे। अब कोई कहे आप किस जाति से हो, आप किस कौम से हो, किस गांव से, अरे कहीं से तो आएंगे, आसमान से थोड़ी पड़ेंगे, धरती से और नीचे से उगेंगे थोड़ी, अरे आ गए जहाँ भगवान ने भेजा वहाँ से आ गए, अब करेंगे ना देश के लिए। ये सब बकवास बातें, ये सोचो कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या किया है जी। तो हम इसी थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। बाकी जहाँ तक आपने दूसरे प्रश्न पूछे, मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में हमारे रविशंकर जी हमारे बड़े भाई हैं, मुझसे उम्र में ज़्यादा है, और आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में जो है मुझे पहले कहीं कहीं बोर्ड लगे मिल जाते थे, शायद उन्होंने बाइंड अप कर लिया। अच्छा। और जो भी कारण रहा होगा उसका, हम तो चाहते हैं खड़े हो और खड़े हो, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, विदेशी कंपनियों के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनको तो हमें रोंदना है, उनको उखाड़ना है, और खुलेआम बोलता हूँ मैं, कोई चोरी छुप कोई भी काम हम लुका छुपी से नहीं करते, खुलेआम करते हैं, सरेआम। अरे चोरी चकारी थोड़ी कर रहे कोई। परंतु कभी कभार ये प्रश्न उठता है कि आप कहते हैं मैं 100% कैंसर भी ट्रीट कर देता हूँ, मैं HIV वायरस जो है, HIV जिसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं बताता है, आपने कहा कि हमारी दवाइयों से ठीक होता है, होमोसेक्सुअलिटी, इनफर्टिलिटी, ये सारी बीमारियां भी आप कहते हैं कि आपकी दवाइयों से ठीक होता है, और आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, हालांकि टेस्टिमनी है कि इतने सारे लोग आकर के सुनते हैं, परंतु जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं और क्या? 5 करोड़ लोगों का तो डेटाबेस है मेरे भाई विवेक, मेरे पास 10 करोड़ लोगों के करीब मैंने कैंप लगाए, और मेरे शिष्यों ने जो पूरे देश में हमारा संगठन है पतंजलि का, करीब 10 करोड़ लोगों के उन्होंने कैंप लगाए, 15 साल हो गए मुर्गी पूरे देश में, 600 जिलों में, 5,000 तहसीलों में, 2.5 लाख गाँव में हमारा संगठन है। मैं करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा हूँ जी। ये स्वामी रामदेव कहीं ऐसे आसमान से उतर के नहीं आए जी, मैं ज़मीनी आदमी हूँ जी, जी। और मैं ज़मीन के साथ जीता हूँ और प्रमाण के साथ बात करता हूँ, बिना एविडेंस के साथ बात नहीं करता, पूरा डेटाबेस है, पूरे एविडेंस है, पूरा रिसर्च है, उसके बाद हम बात करते हैं। विवेक क्या है कि लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमने हकीकत में किया। अब किसी का जो HIV पेशेंट आए, अब हम ज़्यादा उसके बारे में बोलते नहीं, आपने बहुत दिनों के बाद ये प्रश्न पूछा मीडिया पे, करीब 5 साल बाद किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा। अब कोई HIV पेशेंट आया और हमने उसको दवाई दी और ठीक हो गया तो क्या करें हम, बताओ? हमने किसी से चवन नहीं ली, नहीं कोई विज्ञापन करते नहीं। अब कोई होमोसेक्सुअल आया और वो ठीक हो गया तो हमने बोल दिया ठीक हो जाते हैं, अब कोई हो तो आ जाओ भाई ठीक कर देंगे। कोई इनफर्टिलिटी थी, बच्चे नहीं थे, तो हजारों लोगों को बच्चे हुए, फिलिपियन ट्यूब बंद थी, यूट्रस में फावसे ओरियोमेट्रिस थी, ओवम पूरा नहीं बनता था, स्पर्म पूरा नहीं बनता था, कोई भी हार्मोन्स के कारण से बच्चा नहीं होता था, और जो है ओबिसिटी के कारण से इनफर्टिलिटी थी, जो भी कॉजेज से इनफर्टिलिटी के वो हमने दूर कर दिए। अरे इतना ही क्यों, मैंने कहा ना पूरी दुनिया में इनकेरेबल है, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, एस्थमा,
क्या क्या नहीं है, मैं कहता हूँ कि पेस मेकर की जरूरत नहीं, बाईपास की जरूरत नहीं, मैं ठीक किया है। तो जो ठीक हुआ है वो हमने कहा है, अब जो हो गया हमने कह दिया। हमारा अपराध इतना ही है कि जो सच होता है उसको हम शब्द दे देते हैं, और यदि ये गुनाह है तो गुनाह तो हम जीवन भर करेंगे। मेरी इसमें तीन बड़ी लर्निंग्स रही जो मैं बहुत प्रभावित हुआ आज इस बात से कि बिना विकल्प का संकल्प, जब बिना विकल्प का संकल्प हो तो आदमी कितना तेजी से ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मेरी लर्निंग रही कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकता है अगर वो कंज्यूमर फ्रेंडली हो। और तीसरी लर्निंग क्या रही कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वास्तव में ये मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता को अपने बिजनेस में रखना चाहिए। ये प्रश्न तो मैंने आपसे आज पूछा स्वामी रामदेव जी, लेकिन ये मेरा खुद का मानना है। जब तक आध्यात्मिक फाउंडेशन नहीं होगी आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जाएगा। देयर वर ग्रेट लर्निंग्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप अपनी लर्निंग नीचे लिखिए, प्रश्न भी पूछिए और साथ में लर्निंग भी लिखिए कि आपने क्या सीखा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर वन एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी रामदेव जी आपका विशेष मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम विवेक भाई आपको।